इंडियन ब्लॉगर शर्नली, आई एम शर्नली। आज का वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि लिक्विड लिपस्टिक आप किस तरीके से लगा सकते हैं परफेक्टली। कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी मैं आपसे शेयर करूंगी। लिक्विड लिपस्टिक लगाने टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है बिगनर्स को, इधर उधर फैल जाता है, बहुत पैची लगता है, बहुत ड्राई लगता है। ये सब अगर आपके साथ भी अगर होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने से आपको भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे शेयर करूँगी, जो मैं अपने लाइफ में यूज़ करती हूँ वही आपसे शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप जो है, आपको लिप्स को एक्सफोलिएट करना है, मीन्स स्क्रब करना है। किसी किसी का लिप्स में डेड सेल रहता है ऊपर से, किसी किसी का क्रैक रहता है, उससे क्या होता है, लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद आपका लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पैची लगता है और बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है। तो इस ट्रिक्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपका लिपस्टिक भी बहुत इंटेंस लगेगा, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस करेगा। तो इसीलिए हमको सबसे पहले लिप्स को एक्सप्लोइट करना है। तो एक्सप्लोइट के लिए मैं ली हूँ एक ब्रश। जैसे कि मेरे लिप्स में अभी कुछ भी नहीं है तो लिप्स को मैं जस्ट हल्का रफ करूँगी ब्रश से। बस कुछ सेकेंड ही रफ करना है। अब एक वाइप से इसको क्लीन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लिप्स कितना ज़्यादा प्लम्पी लग रहा है। सेकेंड स्टेप में जो ट्रिक्स शेयर करूँगी वो है, बहुत कोई का लिप्स के चारों ओर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड रहता है, अनइवन स्किन टोन रहता है, जैसे स्किन के कलर अलग रहता है, लिप्स के कलर अलग रहता है, इस टाइप से रहता है। तो उस वजह से क्या होता है, लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद आपका लिपस्टिक बहुत इंटेंस नहीं दिखता है। इसके लिए आपको जो ट्रिक्स फॉलो करना है वो है, कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन या सीसी क्रीम, तीनों में से कोई भी आप अपने लिप्स में अप्लाई करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं तीनों का ऑप्शन दी, तीनों में से आपके पास जो भी सामने मिलेगा आप उसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी अप्लाई करूँगी सीसी क्रीम, लैक्मी सीसी क्रीम, क्योंकि ये हाथों के सामने हमेशा रहता है, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है। अगर आपको कहीं पर हड़बड़ी है, जाना है, तो फटाक से आप इसको लगा सकते हैं। कंसीलर और फाउंडेशन ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इसको टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैं इसी के ऊपर आपसे आज का वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं इसको थोड़ा सा ले लेती हूँ और लिप्स के चारों ओर आपको लगा लेना है। जहाँ जहाँ आपका पिगमेंटेड है वहाँ लगाइए। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और ब्लेंड हमेशा डैब 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 करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। तो देखिए, मैं ब्लेंड कर ली हूँ। तो जबकि मैं लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ और लिक्विड लिपस्टिक ड्राई होने के बाद बहुत खींचा खींचा लगता है, उसीलिए उसके पहले आपको थोड़ा सा लिप बाम लगाना है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ भादी हर्बल का लिप बाम, जो मेरा बहुत फेवरेट है। अब मैं फाइनल स्टेप लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। मैं ये लिपस्टिक ली हूँ, NYBA का लिपस्टिक है ये, इसका शेड है 12 सिटकम स्पेशल। आप अपने पसंद का कोई भी लिपस्टिक ले लीजिए। अब मैं इसको दिखाती हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। और लिक्विड लिपस्टिक हमेशा आपको जस्ट ऐसे वन स्ट्रोक ही लेना है, इसको बार बार डिप नहीं करना है। बार बार डिप करके अगर लिप में लगाएंगे तो पैची लगेगा, इसलिए जस्ट ऐसे करके जो निकाल के जो एक बार जो लिए है इसी से आपको पूरा लिप को फिल करना है। तो मैं कैसे कर रही हूँ आप देखिए, ऊपर का जो टिप है, इस टिप से मैं ऊपर लिप से नीचे का लिप्स तक एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करूँगी। बॉर्डर लाइन क्रिएट कर ली हूँ, अब इसको पूरा फील करूंगी। तो देखिए कितना सुंदर, एक ही स्ट्रोक्स में ये पूरा फील हो गया है, मुझे अलग से दोबारा लेना नहीं पड़ा, कहीं पर भी फैला नहीं है। अगर आपका कहीं पर फैल भी जाता है, अगर आप बिगनर्स हो, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, तो इधर उधर फैल भी सकता है, तो आप उस टाइम क्या कीजिएगा वो भी मैं एक ट्रिक्स बता रही हूँ आपको। उसके लिए आप कोई भी ईयरबड लीजिएगा, जैसे हम लोग ईयरबड यूज़ करते हैं, तो ईयरबड लीजिएगा और ईयरबड को आप मेकअप रिमूवर में डिप कीजिएगा। और मेकअप रिमूवर में डिप करके आपका जहाँ जहाँ रेड हो गया है वहाँ से आप धीरे से लाइन कर ईयरबड को घुमाइएगा।
तो अच्छे से वो रिमूव हो जाएगा, आपका लिपस्टिक इधर से उधर कहीं पर भी नहीं होगा, एकदम आराम से हो जाएगा। ये ट्रिक्स भी आप जरूर फॉलो करना। मैं लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए मैं आपको 4 ट्रिक्स एंड टिप्स बताई हूँ, आप इस ट्रिक्स एंड टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए, आपका भी लिपस्टिक बहुत सुंदर से लगेगा और बहुत ज़्यादा इंटेंस लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, फ्लॉलेस लगेगा। आप दिन भर उसी लिपस्टिक के साथ रह सकते हैं, आपका लिपस्टिक कालापन नहीं पड़ेगा, पैची नहीं लगेगा, ड्राई नहीं होगा, आराम से आप इस लिपस्टिक के साथ 8-9 घंटा रह सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको किस तरीके का वीडियो देखना है उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।